हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक पर बात करूंगा, जिसमें पहला टॉपिक है संजीव भसीन जी के मामले से रिलेटेड, इन्हों के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, और दूसरा टाटा स्टील ने एक इतना बड़ा फैसला किया है कि तमाम लोगों का दिल जीत लिया है। इतनी अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है जो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और तीसरी न्यूज़ उन सेक्टरों के बारे में जिनमें आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रैली होने की संभावना है, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट के जानकार होते हैं, उन्होंने किस सेक्टर के ऊपर अपनी राय दी है कि इस सेक्टर के अंदर अच्छा बुल आने वाला है। तो सबसे पहले बात करता हूँ संजीव भसीन जी के ऊपर। तो देखिए, इनों के ऊपर आरोप लगे हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में कथित हेर फेर के एक मामले में संजीव भसीन की भूमिका की जांच कर रहा है। इस मामले से सीधे वाकिफ लोगों ने मनी कंट्रोल को ये जानकारी दी है। संजीव भसीन IIFL सिक्योरिटीज के साथ जुड़े रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सेबी ने जांच के तौर पर संजीव भसीन के डिजिटल डिवाइसों को चेक किया है और सबूत जुटाए हैं। खबर लिखे जाने तक भसीन और सेबी ने मनी कंट्रोल के भेजे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो देखिए, मैंने अपनी कुछ वीडियो में जो पिछली अपलोड की हैं उसमें आपको बताने की कोशिश भी की थी कि देखिए, शेयर मार्केट के अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत बड़ा उलटफेर और बहुत बड़ी घपलेबाजी चल रही है, वरना ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा। कि आप देखें, चाहे आप बैंक निफ्टी को देख लें, चाहे निफ्टी को देख लें, निफ्टी को चलो किसी हद तक हम पचा भी लें, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही वो हाल मचाया हुआ है कि ना जाने आसमान चीर कर ही पार निकलने वाला ऊपर। तो उसी के ऊपर अब सवाल जवाब हो रहे हैं संजीव भसीन जी से। हो सकता है, ये मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ मैं अपने दिमाग की बात बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि भसीन जी के साथ और भी बहुत सारे लोग हों या इनसे अलग हों और मार्केट को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। बेवजह मार्केट को भगाया जा रहा है, और जब ऊपर जाकर इसके अंदर रिटेलर फंसेंगे तो उनका बहुत मोटा नुकसान होने की संभावना है। ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कह सकता मैं ये नहीं कह रहा कि सही हो सकता है या गलत हो सकता है, ये मेरी सोच है। जैसा मुझे देखने को मिल रहा है कि बेवजह आप बैंक निफ्टी को देखना, 1000 पॉइंट और 900 पॉइंट, 1200 पॉइंट एक साथ छलांग लगा रहा है, ना जाने क्या साबित करना चाह रहा है। चलिए देखते हैं आगे जांच में क्या निकलता है, क्या सामने आती है बात। अब ये वो न्यूज़ है दोस्तों जो मुझे बहुत पसंद आई और आपको भी अच्छी लगेगी। न्यूज़ क्या है? टाटा स्टील की अनोखी पहल, वर्कफोर्स में जेंडर माइनॉरिटीज, दिव्यांग, वंचित समूहों की हिस्सेदारी बढ़ाकर करेगी 25%। आप समझे कुछ? टाटा स्टील वर्कफोर्स में जेंडर माइनॉरिटीज, दिव्यांग, वंचित समूहों की हिस्सेदारी बढ़ाकर करेगी 25%। तो कितना बड़ा काम है, जो बेचारे अपाहिज होते हैं, दिव्यांग वंचित होते हैं, जिनके पास कारोबार काम धंधे अच्छे नहीं होते, गरीब परिवारों से होते हैं, और ट्राइजेंडर जो होते हैं। टाटा स्टील एक ऐसे वर्क प्लेस को विकसित करने में विश्वास करती है जहां हर व्यक्ति मूल्यवान, सम्मानित और सशक्त महसूस करे, फिर चाहे उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी क्यों ना हो। कर्मचारियों के किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिली। 2019 में उचित ट्रेनिंग के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पहले बैच को शामिल किया गया था। तो देखिए, इन बेचारों को ना कोई काम पर रखना चाहता है, भीख मांगते हैं तो इन्हें प्रेजन किया जाता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस न्यूज़ को देखकर कि टाटा स्टील ने, टाटा ग्रुप ने इतना बड़ा फैसला लिया है। अब अगली न्यूज़ है,
मेटल शेयर देंगे शानदार रिटर्न। इंडियन होटल और एक्साइड में डबल होने का दमखम। गोल्डीलॉक्स के गौतम शाह का कहना है कि निफ्टी अब 24,100 की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी के लिए 23,580, 23,440 पर सपोर्ट और 23,850 और 24,000 पर रेजिडेंस दिख रहा है। तो देखिए मैं निफ्टी से सहमत हूँ। निफ्टी 200 पॉइंट 100 पॉइंट 50 पॉइंट बढ़ रहा है, घट रहा है, जो उसकी चाल नॉर्मल होनी चाहिए वही काम कर रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये समझ से बाहर है कि बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी तगड़ी दौड़ ला रहा है। अब जो भी मामला है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ इस न्यूज़ में बताया गया है कि मेटल सेक्टर में आने वाले टाइम में अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक्साइड और इंडियन होटल के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि इन शेयरों में यहाँ से डबल होने की क्षमता है। तो दोस्तों न्यूज़ कैसी लगी, और ख़ास करके न्यूज़ अच्छी लगी हो जो टाटा स्टील ने फैसला क्या है वो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।